बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा महम। सबसे पहले एक नज़र बीटीवी हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सदर पाकिस्तान ने हफ्ते को कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया। हैरान कुन बात, इजलास तलब करने का वक्त है। इजलास दोपहर 12:12 पर तलब किया गया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। बोले, आयन चोरी की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन से पहले ही बता दिया था कि रेट लग गए। क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था कि तहकीकात की जिम्मेदारी उसी की थी। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। सेंड इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतालिक बयानात, शिकायत और इमरान खान तकरीर पर आज सुबह इजलास तलब। कौम से खिताब में इमरान खान ने यूसुफ रजा गिलानी को नाम लेकर जमीर का खरीदार करार दे दिया। बोले, इन्हें खवातीन अराकीन ने खुद बताया है कि पैसों की ऑफर हुई। पाकिस्तान का $60 मिलियन स्विट्जरलैंड में पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेटर लिखो तो यूसुफ रजा गिलानी ने नहीं लिखा। मेरे किरदार पर तंगी से पहले इमरान खान अपने गिरबान में झांके। यूसुफ रजा गिलानी ने दो टोक जवाब दे दिया। इमरान खान ने अपने अरकान पर इल्ज़ाम लगाकर इन्हें खुद चोर कहा है। इमरान खान ने हफीज शेख की कामयाबी के लिए खजानों के मुंह खोले। आज की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। इमरान खान का वक्त ख़त्म हो चुका। मुस्तकबिल डेमोक्रेट मूवमेंट का है। पाकिस्तान के हालात एक इलेक्शन से तब्दील नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। मरियम नवाज बोली, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन तो इमरान खान ने तैनात किया था, अब जिनको बिकाऊ माल कहा है उनसे किस मुँह से एतमाद का वोट मांगेंगे। पंजाब की सियासत में बड़ी तब्दीली का इम्कान। बुजदार हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का अंदिया। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पहले पंजाब बचाने का इरादा है। अपोजिशन का सियासी मरकज पंजाब होगा। सरबरा पाक फिजाया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के अवाम के दरमियान गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित हैं। सरबरा पाक फिजाया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की श्रीलंका वजीर आजम मोहिंदा राजापक्सा से उनके ऑफिस में मुलाकात में सरबरा पाक फिजाया और श्रीलंका वजीर आजम ने एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा हासिल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। कराची में दूध फरोश बेलगाम, कमिश्नर कराची कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। गवालों ने दूध की कीमतों में अस खुद 10 रुपए का इजाफा कर दिया। कोई सुनने वाला नहीं। एक ही दरख्वास्त है कि कमिश्नर कराची बढ़ती कीमतें कंट्रोल करें। 94 रुपए लीटर वाला दूध 130 रुपए तक पहुंच गया। दादू में अदालती मुलाजिम के हाथों 13 साल की लड़की ज्यादती का शिकार। भाई की मुदैयत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। न्यूजीलैंड में 8.1 शिद्दत जलजले के बाद सुनामी वार्निंग जारी। लोगों में खौफो हिरास, फौरी नकल मकानी। बहरुल काहिल में इतनी शिद्दत का जलजला इंतहाई खतरनाक करार। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के का रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज के पोलर्ड कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। श्रीलंकन बॉलर धनंजाया के पूरे ओवर जमकर पिटाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो कीजिए हम इंस्टाग्राम पर btv.pk और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बद्दर टेलीविज़न नेटवर्क।